हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप है मेरे चैनल साइलेंट ट्रेडर पे। आज डिस्कस करने वाला हूँ एक ट्रिक्स जो RSI के ऊपर बेस्ड करके है। वेरी इजी एंड सिंपल ट्रिक्स है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जस्ट आपको एक सिंपल चीज़ और फॉर्मेशन और पैटर्न बोल सकते हो जो याद रखना है, बहुत ईजी है। एक तो है एम पैटर्न एंड उसको अगर रिवर्स करके आप देखोगे तो और एक पैटर्न है जो है W पैटर्न। दैट मीन्स आपको एम पैटर्न ढूंढना है एंड W पैटर्न ढूंढना है। ये जो पैटर्न आप मैं बोल रहा हूँ आपको, ये आप समझ पा रहे हो कि ये जो दो पैटर्न है ये एक उल्टा पैटर्न है। दैट मीन्स एम को अगर आप उल्टा कर दोगे तो आप W मिल जाएगा एंड W को अगर उल्टा कर दोगे तो एम पैटर्न मिल जाएगा। तो एक कहाँ देखना है, ये कोई प्राइस एक्शन में नहीं दिखना है, दिखना है एक्चुअली RSI पर। तो RSI पर जो पैटर्न आपको ढूंढना है वो है एक एम पैटर्न जो शॉर्ट सेल में यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। दैट मीन्स आपको एम पैटर्न जब भी आप देखोगे तब शॉर्ट सेल आप कर सकते हो। एंड W पैटर्न कहाँ करोगे, जब आपको लॉन्ग करना है। इसको एंट्री कहाँ डालना है, एंट्री डालना है इसका पैरेलल जो लाइन होगा उसके ऊपर बेस करके। दैट मीन्स एम पैटर्न जब भी इस टाइप का पैटर्न आएगा एंड पैरेलली जो ब्रेक डाउन पॉइंट होगा उसी पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा। फॉर दैट मीन्स यहाँ पर ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल करना है। एंड सेमली आप एक W पैटर्न जब देख पा रहे हो सेम आपको यहाँ पर जो क्रॉस ओवर है इस क्रॉस ओवर को आपको बाई करना है। दैट मीन्स यहाँ पर पोजीशन लेना है आपको और यहाँ पर आपको शॉर्ट सेल करना है। तो इसी पैटर्न का जो खोज है हम लोग करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट की जो सिनारियो है उसके बेस करके ये पैटर्न कैसे काम करता है। तो RSI में आप देख सकते हो कि हम जो ये है वो बैंक इंडेक्स फ्यूचर एक जस्ट एग्जांपल के लिए लिए हुए। एंड ये जो आप पॉइंट देख रहे हो ये है RSI 14 का पैरामीटर का पॉइंट है। एंड इसका एक प्राइमरी एंड एक बेसिक रूल्स है क्या, ये दोनों पॉइंट का जो रेंज है इसका 70 के ऊपर रेंज एंड 30 के नीचे का रेंज आपको देखना पड़ेगा इस पैटर्न को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड जो मिडिल वाला पोर्शन रहेगा उस मिडिल वाला पोर्शन मास्ट एक जो हुक रहेगा वो हुक, दैट मीन्स आपका जो W और एम जो भी होगा उसका जो हुक है ये जो पॉइंट है ये पॉइंट, दैट मीन्स आप ये जो पॉइंट ए पॉइंट अगर आप W मान के चलोगे तो ये 30 के ऊपर होना चाहिए। RSI जो 30 है 30 के ऊपर होना चाहिए। एंड अगर आप एम पैटर्न ले रहे हो तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट 70 के नीचे होना चाहिए। दैट मीन्स आप इधर में एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एम पैटर्न लिया हुआ है, देख सकते हो एक एम पैटर्न है जहाँ पर जो पॉइंट है वो पॉइंट को आप अगर खूब क्लोजली आप देखोगे तो ये 70 के नीचे ये पॉइंट है। ये पॉइंट अगर देखोगे यहाँ पर RSI वैल्यू दिखा रहा है, ये जो पॉइंट है 69.70। एंड इसका अगर हम लोग एक पैरेलल पॉइंट ड्रॉ करें तो इसका जो ब्रेकडाउन पॉइंट है इसको हम लोग थोड़ा जजमेंट करते हैं कि कहाँ पर इसका ब्रेकडाउन पॉइंट है। ये वाला ब्रेकडाउन पॉइंट जिसका क्लोजिंग वैल्यू था, इसका अगर क्लोजिंग वैल्यू अगर देखोगे तो 41,373 इसका क्लोजिंग वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। मैं अगर कर्सर इधर में ले आओ तो 41,373 इसका पॉइंट था। एंड गैप अप में खुला है नेक्स्ट डे में एंड उसके बाद आप देख सकते हो इसका लो मारा है 41,210। दैट मीन्स आपको नियर अबाउट 120-30 पॉइंट का 100 पॉइंट का आपको मिल गया है राफली। तब भी ये आपको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका जो पैटर्न है ये आफ्टर 2-2.5 बजे के बाद ये जनरेट किया है। तो मैं 2-2.5 बजे के बाद जनरली मैं कोई भी ट्रेड आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। तो देखते हैं नेक्स्ट कोई अगर पैटर्न आ जाए उससे
कुछ होता है कि नहीं। एंड मोस्टली ये जो पॉइंट है, मिडिल वाला जो हुक पॉइंट है, ये कभी भी 50 RSI 50 को क्रॉस ना करे कोई भी साइड पे। अगर नीचे जा रहा है तो ऊपर में क्रॉस ना करे, और ऊपर से आ रहा है तो 50 क्रॉस ना करे। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो स्लाइडली इधर में आप एक बार देख पा रहे हो कि ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न भी एम पैटर्न की तरह इंडिकेट करता है। देखते हो एक एम पैटर्न है। इस एम पैटर्न का अगर आप डायरेक्ट एक डालोगे तो देखोगे यहाँ पर मैं हॉरिजॉन्टल अगर लाइन डालूँ तो ये करीबन यहाँ पर राफली आता है। मैं राफ कैलकुलेशन करके आपको दिखाता हूँ। एंड ये जो पॉइंट था, ये पॉइंट आपका सेलिंग पॉइंट था। अगर मैं सेलिंग पॉइंट का थोड़ा बहुत करूँ तो अप्रोक्सीमेट 40,540 का आसपास इसका वैल्यू था। एंड इसका आप देख पा रहे हो कि इसका लो है कि अब 389, दैट मीन्स 150 पॉइंट के आसपास आपको प्रॉफिट मिल गया है। ये शॉर्ट सेल का आपको मैं दिखा रहा कि ये शॉर्ट सेल वगैरह जो है शॉर्ट सेल है, तो इसमें रूल्स आप देख पा रहे हो कि बहुत इजी। ये दो पॉइंट जो है, दो पॉइंट हैव आप 70 है, एंड जो ये जो पॉइंट है ये बिलो 70 है मगर 50 के ऊपर है, तो इसीलिए ये पॉइंट बहुत मायने रखता है। एंड ए पॉइंट अगर देखोगे, देखो ये भी एम पॉइंट जनरेट हुआ है, मगर इसका जो हुक है, ये जो हुक देख रहे हो कि 50 पॉइंट के नीचे है, दैट्स वाई ये मैं वैलिड नहीं बोलूँगा। मगर अब अगर देखोगे प्रॉपरली तो ये आपको ट्रेड जनरेट कर दिया, मगर ये बहुत रिस्की हो जाएगा, दैट्स वाई इसको मैं रिकमेंड नहीं करता कि अगर 50 के ऊपर मिडिल हुक पॉइंट चला जाए तो उसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। नेक्स्टली और भी एक बाई पॉइंट देखिए, ए पॉइंट था जो बहुत इजीली हुआ है। ए एक एम पॉइंट है, ए इसको अगर आप पकड़ के चलोगे तो ए भी अगर वो छोटा वाला पॉइंट, उस छोटा वाला रेंज को भी आप एम पॉइंट के साथ एम का जो डब्ल्यू का, सॉरी एम नहीं, ए डब्ल्यू का पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न के साथ अगर आप कैलकुलेट करते हो आप देख पाओगे इसका भी ए ब्रेकआउट चेन है। एंड इसका जो नेक्स्ट कैंडल है ए वाला है, जिसका क्लोजिंग पॉइंट आप अगर आप देखोगे, इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो है 39060 के आसपास। एंड इसका जो अगर हाई अगर देखोगे तो हाई दिखाया 200 पॉइंट का। तो आपको अब ए मान के चलोगे कि इसको थोड़ा बहुत आपको एक प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा अगर आप प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो। ये वाला पॉइंट भी आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट में से थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है, ए वाला एम पॉइंट में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया है। ए वाला एम पॉइंट तो नहीं जनरेट हुआ है, मगर ए वाला एम पॉइंट जनरेट हुआ है मगर बहुत नीचे है, छोड़िए इसको। ये प्रॉपरली एम पॉइंट बहुत ज़्यादा हुक है, तो हम लोगों को एक्चुअली देखना पड़ेगा कि हुक बहुत कम है। अंदर का जितना ज़्यादा हुक होगा उसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा, ज़्यादा जितना कम होगा उसमें बहुत इजी हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा और कुछ हुक है कि नहीं। मैंने ज़्यादा तक ज़्यादा बहुत सारे हुक देखे हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि निफ्टी में कुछ है कि नहीं इस टाइप का हुक में। इसको छोटा कर देते हैं एंड यू कैन सी कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर आप देख सकते हो। एक बहुत बेहतरीन एक हुक पकड़ के आया यहाँ पर, एम पैटर्न है, इसको ब्रेक डाउन किया इधर में जो 17,540 के आसपास, एंड उसके बाद बहुत नीचे आया। ए वाला देखिए, ए वाला बहुत आज का अगर आप ट्रेंड देखोगे, शायद ये आज का ही ट्रेंड लग रहा है। हाँ 21 का ट्रेंड है। ये देखिए एम यहाँ पर, इसको 17,633 में इसका ब्रेकडाउन दिखाया था, एंड आप देख सकते हो कि
कितना नीचे निफ्टी में आया। प्रॉफिट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो मेरे ख्याल से एज पर टाइम बेसिस आप प्रॉफिट कर सकते हो। 15 मिनट्स का अगर आप बैंक निफ्टी में ले रहे हो तो मेरे ख्याल से 60-80 पॉइंट्स और 100 पॉइंट्स आप ऑन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हो। एंड निफ्टी में अगर आप देख रहे हो तो उसको 50% नीचे कर दो, दैट मीन्स आप 30-40 पॉइंट्स का गेन ले सकते हो। प्रैक्टिस करिए, मैं डायरेक्टली आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप डायरेक्टली फंड इधर में लगा दो, मगर आप एक बार खुद की तरफ से एक बार रिसर्च कर लो। मैं काफ़ी दिनों से इसको ट्रैक कर रहा हूँ, बहुत इजी एंड अच्छा सा प्रॉफिट दिखा रहा है एंड एक्यूरेंसी बहुत अच्छा है। तो आप थोड़ा बहुत देख लो, इसको परख लो, उसके बाद आप मार्केट में ट्राई कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको भी प्रॉफिट मिल सकता है इस ट्रिक से। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। बाय बाय।